नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित हरदर। खबरदार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां नई सरकार बनाने का टाइम अब लगता है कि आने वाला। आज दिल्ली में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों दलों के नेताओं ने लगभग साफ कर दिया है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना ने सीएम पद की शर्त पर बीजेपी से नाता तोड़ा है, इसलिए यह तो तय है कि मुख्यमंत्री उसी का होगा। लेकिन मंत्रालयों को लेकर रस्साकशी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें शिवसेना और एनसीपी के 14-14 और कांग्रेस के 12 मंत्रियों को शामिल करने की बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस की मांग है कि उसके भी 14 मंत्री शामिल किए जाने चाहिए। सूत्रों से हमें जो पता लगा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा तो विधानसभा स्पीकर के पद पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। गृह मंत्रालय पर शिवसेना और एनसीपी की नजर टिकी है, जबकि वित्त मंत्रालय पर एनसीपी और कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ठोकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सभी की पसंद है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय शिवसेना और एनसीपी दोनों को चाहिए, जबकि शिक्षा मंत्रालय शिवसेना को और जल संसाधन मंत्रालय एनसीपी को चाहिए। शहरी विकास मंत्रालय पर दावेदारी शिवसेना और कांग्रेस दोनों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय शिवसेना को चाहिए और राजस्व अपने पास रखने की मांग कांग्रेस ने कर डाली। मंत्रालयों के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के नेता कल मुंबई में शिवसेना के साथ एक बैठक करने वाले हैं। कल ही मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने चुने हुए विधायकों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तिकड़ी लगभग तय होने के बाद सवाल है कि सरकार बनने का वक्त कब आएगा। आज कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चर्चा का अगला दौर पूर्ण हुआ। सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन चुकी है और साथ ही में अब जो चर्चाएं हैं वो मुंबई में करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे, उनको अब तक की चर्चे की जानकारी पूरी देंगे। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना से बातचीत करेंगे और जब हमारी बातचीत सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी तब आपको मुंबई में सारी जानकारी दी जाएगी कि ये अलायंस का आर्किटेक्चर क्या है, अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है। एक बात तो पहले से तय है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, लेकिन वो कौन होगा? चर्चा में सबसे आगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम है, लेकिन वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई, शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे और संजय राउत के नाम भी दावेदारों में लिए जा रहे हैं। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले आज तक पर मिलेगा, लेकिन अब विश्लेषण की दिशा को प्रज्ञा ठाकुर की तरफ मोड़े, उसके पहले जरा आपको महाराष्ट्र की राजनीति का एक पहलू और दिखा दें। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री हो गए महाराष्ट्र के। बिल्कुल, हमें खुशी होगी, हमारे प्रमुख हैं, उनके शिवसेना की वजह से हम लोग विधायक बनते हैं और अगर उस राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, जो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब लेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे। चीफ मिनिस्टर शिवसेना का हो जाएगा। और क्या ऐसा है कि रोटेशनल सीएम होगा, क्या आपको लगता है जो भी सीएम होगा? वो बातें जो हमारे सामने नहीं हुई है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो चीफ मिनिस्टर शिवसेना का होगा, ये बात पक्की है। अच्छा, हम गवर्नमेंट सरकार कब तक देख सकते हैं? कई लोगों का कहना है कि ये जब तक वीकेंड होगा तब तक, दो चार दिन में भी शायद। और अब बात प्रज्ञा ठाकुर की, जिन्हें आप जानते ही होंगे, मालेगांव बम धमाकों की आरोपी और भोपाल से बीजेपी की सांसद, जो मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने वाले अपने बयान के बाद से चर्चा में आ गई थी और जिन्हें पीएम मोदी ने कभी भी दिल से माफ ना करने की बात कही थी। उन प्रज्ञा ठाकुर के कंधों पर मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली है। प्रज्ञा ठाकुर को संसद के डिफेंस पैनल में शामिल किया गया, उन्हें रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया, जिसके प्रमुख खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस समिति में कुल 21 सदस्य हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं जो इन दिनों कश्मीर में नजरबंद हैं, और शरद पवार भी इस समिति के सदस्य हैं जो शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा विवाद प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर है, जो अक्सर अपने बयानों से बीजेपी को मुश्किल परिस्थितियों में डालती आई है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में प्रज्ञा ठाकुर की एंट्री पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है और वो बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर के पुराने बयान याद दिला रही है और चुटकी लेते हुए कह रही है कि लगता है पीएम मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को अब दिल से माफ कर दिया है। जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और जमानत पर रिहा प्रज्ञा ठाकुर ने खुद बताया था कि मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे की मौत उन्हीं के श्राप से हुई थी। जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो। शायद प्रज्ञा ठाकुर की इसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति में जगह मिली हो, ताकि प्रज्ञा ठाकुर के श्रापों का इस्तेमाल देश के दुश्मनों के सर्वनाश के लिए भी किया जा सके। देखिए, आप खुद इसका अनुमान लगा लीजिए कि देश भर में सबसे उपयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट इस समिति के लिए यही मिली थी बीजेपी को। क्या क्वालिफिकेशन था इनका, क्या योगदान होगा इसके लिए, और इतनी समितियों में सबसे उपयुक्त समिति यही होगी। मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर आपके हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस का क्या है, वो तो ये भी कह रही थी कि मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी होने के अलावा प्रज्ञा ठाकुर के पास और कोई क्वालिफिकेशन तो चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़वाया और साध्वी प्रज्ञा ने भारी मतों से जीत भी हासिल कर ली। लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे प्रज्ञा ठाकुर की क्या मंशा थी, ये उन्होंने सांसद बनने के बाद ही बताया था। हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना, हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। तो जैसा कि प्रज्ञा ठाकुर ने खुद ही कहा कि वो नाले वगैरह साफ करवाने के लिए सांसद नहीं बनी है, लिहाजा उन्हें पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जैसी स्कीम्स के लिए नीतियां बनाने वाली किसी संसदीय समिति का तो सदस्य बनाया नहीं जा सकता था। शायद इसीलिए उनके लिए सबसे मुफीद जगह रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को ही माना गया। ये रूटीन व्यवस्था है, हर सांसद किसी न किसी समिति का सदस्य होता है। और पीसी शर्मा जी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनको अभी तक मध्य प्रदेश की समितियों के निर्णय का भी अधिकार नहीं है, वो केंद्र पर छींटे कस रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने स्थिति देखकर ही हमें कोई टिप्पणी करना चाहिए। चापिद्दी चापिद्दी का शोरबा, प्रदेश की कमेटियों पर विचार करो, केंद्र पर ज्यादा ध्यान मत दो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बतौर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें किसी न किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस को रह रहकर प्रज्ञा ठाकुर के पुराने बयान याद आ रहे हैं और सबसे ज्यादा तो ये बयान याद आ रहा है। नाथूराम गौड़ से देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। नाथूराम गोडसे के प्रति इसी निष्ठा भाव से प्रज्ञा ठाकुर ने पीएम मोदी की आजीवन नाराजगी मोल ले ली थी, जब पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को पूरे दिल से माफ कर दिया है, और माफी नहीं किया है बल्कि इनाम भी दिया है। कथनियों करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने कहा था कि उन पे एक्शन भी लेंगे, जिस तरह के उनके विवादित बयान आए थे। मैं समझता हूँ कि जिन पे बहुत से आरोप हैं और जो अभी प्रकरण चल रहे हैं और उन आरोपों में जेल भी गई है, तो रक्षा समिति जैसी इम्पोर्टेंट समिति में उनका लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की ही संसदीय समिति का सदस्य बनाने का आइडिया किसका था,
और प्रज्ञा ठाकुर की कौन सी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण संसदीय समिति में शामिल किया गया था। इन सब बातों पर सरकार का सर्वाधिकार सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर सवाल पूछने के अपने सियासी अधिकार का बखूबी इस्तेमाल कर लिया है। यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे जेल से बाहर है, उनका कमेटी में रहना उचित है, तो प्रज्ञा ठाकुर जी का किसी कमेटी में रहना कैसे अनुचित है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे, उसके आधे दर्जन नेता किसी न किसी कारण से आरोपित हैं, कोर्ट के दायरे में हैं, उनके साथ कांग्रेस क्या करने जा रही है, पहले जवाब दे। अपने बयानों से बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति में शामिल हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे देश का सामाजिक वातावरण असुरक्षित है। यदि समाज सर्वधर्म संभाव को, सहिष्णुता को, सनातन धर्म की उदारता की परंपरा की रक्षा करनी है तो ऐसे व्यक्तित्वों से दूर से ही नमन करना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। वैसे कोई कुछ भी कहे, प्रज्ञा ठाकुर एक बार जो ठान लेती हैं तो उस काम को पूरा करके ही दम लेती हैं। वैसे प्रज्ञा ठाकुर कल को अगर राम मंदिर ट्रस्ट में भी शामिल हो जाती हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बाबरी ढांचा तोड़ने के लिए मैं गई थी और अब मंदिर बनाने के लिए अवश्य जाऊंगी। मंदिर बनेगा, ये जन जन की आवाज है, ये राम जी का आशीर्वाद है। तो कांग्रेस की तमाम आपत्तियों और बीजेपी के बयानों से एक बात तो तय है कि प्रज्ञा ठाकुर अब रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में शामिल हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन इस समिति में रहकर प्रज्ञा ठाकुर करेंगी क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस समिति के बारे में थोड़ा जानना होगा। रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। इनमें 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद होते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से देश की सुरक्षा से जुड़ी जो भी दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाती हैं, ये समिति उन नीतियों की समीक्षा भी करती है। इस समिति का एक और अहम काम है रक्षा मंत्रालय के कामकाज का सालाना आकलन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। सालाना बजट में रक्षा मंत्रालय को जो बजट अलॉट किया जाता है उसे तय करने में भी इस समिति की सिफारिशें दी जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े सभी फैसलों में अपनी राय देती है और देश की रक्षा नीतियों को बनाने में अपना योगदान भी देती है। इस समिति के सदस्य के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर भी देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगी और ज्यादा आसान भाषा में कहें तो मालेगांव बम धमाकों की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर अब देश की रक्षा करेंगी। और अब बात कश्मीर की, जहां कहा जा रहा है कि अब सब कुछ बढ़िया है। स्कूलों में अटेंडेंस 99% तक पहुंच गई है। पूरे कश्मीर में कहीं भी धारा 144 नहीं है। बाजार खुल गए हैं और सड़कों पर ट्रैफिक भी सामान्य हो चला। यह दावा गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में किया। लेकिन जब अमित शाह कश्मीर के हालात सामान्य होने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कश्मीर में कई जगह दुकानें जलाने की घटनाएं हुई और कई जगह पर पत्थरबाजी भी हुई। आज एक बार फिर कश्मीर के हालात असामान्य हो गए। 2 दिन तक सामान्य रहने के बाद आज कैसे कश्मीर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति में आ गया? आज तक ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और पिछले 24 घंटों में तेजी से बदले कश्मीर के हालात की तुलना की है। स्थिति सामान्य हो चुकी है। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं। परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। जम्मू कश्मीर में आज 95 के 95 थानों में कहीं पर भी 144 की धारा अप्लाई नहीं है, पूर्णतया से उठा लिया। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं, दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। बीस नवंबर को ये पहला मौका था जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्यसभा में आधिकारिक तौर पर कश्मीर के हालातों पर बयान दे रहे थे और तब उनके दावे और कश्मीर से आ रही तस्वीरें मैच भी कर रही थी।
और लग रहा था कि वाकई कश्मीर में स्थितियां अब सामान्य होती जा रही है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल बंद है और हम अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और हम अपने फ्रेंड से भी नहीं मुलाकात कर सकते हैं, तो इस बार हम स्कूल आए और बहुत ही मजा आ रहा है और अच्छी तरह हम पढ़ भी पा रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट हम यूनिट 1 स्टार्ट किया है और हम बहुत खुश है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें वो वापस वो चीज़ मिली है जो हमने खोई थी इन 3 महीनों के बाद। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बोर हो रही थी घर में, आज यहाँ स्कूल में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद आए थे, 3.5 दोस्तों से भी मिले थे, हमें बहुत अच्छा लगा। आज क्या क्या किया आपने स्कूल में? हमने पढ़ाई की, खेला, बातें की, हाँ, और बहुत सारा मज़ा भी आया एक साथ बातें करने में। लेकिन अगर अमित शाह ये दावा करते तो कश्मीर की हकीकत कुछ और होती, क्योंकि अमित शाह के भाषण के 1 घंटे बाद ही श्रीनगर के लाल चौक पर दुकानें बंद हो गई, क्योंकि कई इलाकों में दुकानें जलाने और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, जिसका असर ये हुआ कि कश्मीर के हालात एक बार फिर असामान्य होने लगे, खासकर श्रीनगर में, जहाँ एक बार फिर दुकानों के शटर डाउन थे, सड़कों पर गाड़ियां भी पहले से कम चल रही थी, बाजारों में लोगों की भीड़ भी एक दिन पहले तक के मुकाबले कम दिख रही थी। कश्मीर में 2 दिन आम जनजीवन जू ही पटरी पर लौटा, एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। दरअसल बुधवार को कई जगहों पर कई दुकानदारों को निशाना बनाया गया और कई युवकों ने यहां तक कि दुकानदारों के पास जाकर धमकी दी कि वो जो है अपना व्यवसाय शुरू न करें, और कई जगहों पर धमकी भरे पोस्टर जो है वो जगह जगह पर श्रीनगर शहर में चिपकाए गए। उसके बाद एक बार फिर जनजीवन जो है वो पटरी से उतर गया है। श्रीनगर का लाल चौक का गुरुवार का ये नजारा है, जहां पर सभी दुकानें अब बंद है। अमित शाह ने दावा किया कि कश्मीर के सभी थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा ली गई है और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। उनका ये दावा काफी सही है, क्योंकि पिछले 107 दिनों में कश्मीर में इतनी पत्थरबाजी नहीं हुई जितनी पहले हुआ करती थी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त के बाद से 6,500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन पर पत्थरबाज होने का शक था। हालांकि इनमें से ज्यादातर को अब छोड़ दिया गया है, लेकिन शायद ये कश्मीर में 34 सियासी नेताओं की नजरबंदी का भी असर है, जिन्हें रिहा करने की तैयारी सरकार ने शुरू तो कर दी है, लेकिन इसका वक्त अभी तय नहीं है। मेरे पीछे यहाँ श्रीनगर के इस इलाके में MLA हॉस्टल है, ये वही जगह है जहाँ करीब 33 जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लाया गया है और यहाँ पे उनको डिटेन कर दिया गया है। उन्हें SKICC वेन्यू से शिफ्ट करके अब यहाँ पहुँचाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि 100 दिन से ज़्यादा वक्त हुआ है जब से धारा 370 को हटाया गया, और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठप बैठी हुई है कश्मीर घाटी में। सारे लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वाबस्ता थे, या तो वो बंद हैं या अपने घरों में उनको नजरबंद कर रखा है। कश्मीर में पिछले 5 अगस्त के बाद पुलिस फायरिंग में किसी की जान नहीं गई है, ये बात भी सही है। कश्मीर में परीक्षाओं के दौरान 99% तक छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं, ये बात भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कश्मीरी लोगों का कहना है कि छात्र और उनके परिवार सिर्फ परीक्षा देने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कुल मिलाकर कश्मीर के हालात जितने सामान्य नजर आ रहे हैं उतने अभी नहीं। सड़कों पर भीड़ तो बढ़ी है, लेकिन कश्मीर की हवाओं में तनाव अब भी बरकरार है। अगर तकलीफ ना भी हो तो खुल के भी नहीं जा सकता कहीं। इंसान ये सोचता है कि अगर ट्रैफिक भी चल रहा है फिर भी क्या मैं सही तरह से कहीं जा पाऊंगा या भी नहीं, या कहीं अगर गया तो वापस कैसे आऊंगा। कश्मीर में इंटरनेट को लेकर अमित शाह का दावा है कि सही वक्त पर इसे भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कश्मीर में इंटरनेट बैन नाराजगी की एक बड़ी वजह बना हुआ है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेट चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम चल रही है, क्योंकि हमें कुछ भी करना पड़ता है। कल मुझे फॉर्म डाउनलोड करना था, मुझे लगभग 1 हफ्ता लगा, बराबर 1 हफ्ता। कश्मीर में हालात सामान्य होते दिखते तो हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को धारा 370 के बिना जीने के लिए सामान्य होने में अभी और वक्त लगेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो दावे किए गए वो दावे कल तक तो हकीकत लग रहे थे, लेकिन अचानक आज ये दावे हकीकत से दूर नजर आने लगे, जो कश्मीर में पल पल बदलते माहौल को दिखाते हैं। वैसे जहां तक दावों की बात है तो सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार के दावों से संतुष्ट नहीं है।
आज कश्मीर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आवाजाही पर पाबंदी और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कश्मीर के हालात को लेकर आपके जवाबों से हम असंतुष्ट हैं, हम आपके जवाबों से किसी नतीजे पर पहुंच पाने में सफल नहीं हुए। जस्टिस एनवी रमन के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विस्तृत जानकारी दी गई। कोर्ट ने तुषार मेहता से यह भी कहा कि आपको याचिकाकर्ताओं के हर सवाल का जवाब देना होगा जिन्होंने विस्तार से तर्क दिए। हालांकि सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कश्मीर में प्रतिबंधों को लेकर जो भी बातें कही हैं वो ज्यादातर गलत हैं और वो अदालत में बहस के दौरान हर बात का जवाब दे देंगे। और अब एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर गांधी परिवार से आई पहली प्रतिक्रिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से आज पत्रकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके भाई राहुल गांधी और उनकी खुद की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल पूछा। आप भी सुनिए प्रियंका ने इस पर क्या कहा। तो राजनीति है, होती रहती है। तो राजनीति है, होती रहती है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ होने के बाद बीजेपी ने अब चुनाव के मैदान में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के लातेहार में चुनावी रैली करने गए थे, वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक बार बनाने की अध्यक्ष सांसद श्रीमान ओम माथुर जी वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। इतने सुनिका के प्रत्याशी रघुपाल को जिताओगे। और इसके बाद अमित शाह ने चुनावी मंच से ऐलान कर दिया कि अयोध्या में उसी जगह पर आसमान छूता राम मंदिर बने। यहां आपको 3 दशक पहले का बीजेपी का एक नारा याद दिलाना जरूरी हो गया। अयोध्या आंदोलन के दिनों में बीजेपी नारा लगाती थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जाहिर तौर पर अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को बीजेपी अपनी राजनीतिक विजय के तौर पर दिखा रही है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद अमित शाह लातेहार की रैली में यह कहने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस अयोध्या केस को अदालत में आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अयोध्या आंदोलन का क्रेडिट लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, माताएं बहनें दीदी बताएं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देश का हर व्यक्ति चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चलनी। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया। अमित शाह कह रहे हैं कि अयोध्या में उसी जगह पर आसमान छूता राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस पर अपने फैसले में 3 महीने के भीतर सरकार से एक ट्रस्ट बनाने को कहा है और वही ट्रस्ट मंदिर बनाने को लेकर फैसला करेगा। आपको यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि विश्व हिंदू परिषद पिछले 3 दशक से राम मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में कारसेवकपुरम है जहां राम मंदिर की कार्यशाला है और वहां भव्य मंदिर बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने VHP के राम मंदिर मॉडल की गहराई से पड़ताल की है। आज आप भी उनकी ये रिपोर्ट देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि VHP के इस मॉडल के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर कैसा होगा। सैकड़ों सालों से विवादित भूमि कहलाते कहलाते अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है
और कहा गया है कि 3 महीने के भीतर उस ट्रस्ट का गठन हो जो तय करे राम मंदिर आगे कैसे बनेगा। तो हम आपको वीएचपी का बनाया राम मंदिर का वो प्रारूप दिखा रहे हैं यहां पर, जिसको लेकर लगातार काम हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी के आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं ये राम जन्मभूमि, और आप ये भी समझिए कि यहां भी बहुत सारा निर्माण होगा, लेकिन राम मंदिर जो उसके बीचों बीच होगा, इतनी खाली जमीन वहां पर नहीं होगी, लेकिन अभी सिर्फ राम मंदिर पर आप ध्यान दीजिए, तो उसकी लंबाई होगी 270 फीट, 270 फीट की लंबाई है राम मंदिर की। और इसकी ऊंचाई अगर आप नीचे से देखिए, अपनी नजर दौड़ाइए, आप उस ध्वजा तक जाइए, उस धर्म ध्वज तक जाइए, तो 128 फीट की इसकी ऊंचाई है। ये पूरा मंदिर जब आप इसकी परिक्रमा करेंगे चारों तरफ से, तब सोचिए कैसा भव्य रूप वहां पर रहेगा। ये मंदिर 2 मंजिला होने वाला है। ये पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को हमने अलग अलग करके आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप समझें कि कौन सा तल कैसा दिखने वाला है, कहां पर कितने खंभे यहां रहने वाले हैं। ये जो आकार है इसका, जो समूचा मंदिर आप देख रहे हैं, वो करीब 2.75 लाख यानी 2.75 लाख घन मीटर का ये पूरा दायरा होगा राम मंदिर का। वाकई जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसमें एक अद्भुत रूप हम मान सकते हैं इसका। मंदिर के 5 हिस्से कुल, जिसमें कौली, गर्भगृह और परिक्रमा, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सबसे सामने का जो हिस्सा है वो सिंह द्वार का हिस्सा होगा। वीएचपी का ये प्रारूप है राम मंदिर का, जिस पर 3 दशकों से काम चल रहा है, पत्थरों की घिसाई चल रही है, तराशा जा रहा है उन्हें, और अब हम इस वर्चुअल परिक्रमा के जरिए मंदिर के प्रवेश द्वार सिंह द्वार के पास पहुंच गए। यहां पर इस मंदिर को देखकर आप समझिए कि कैसा भव्य ये होगा। आसपास का नजारा भी होगा वहां पर, बिल्कुल जो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रदर्शनी सी लगाई जाएगी, चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां होंगी, जो किस तरह से उन्हें तराशा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन चौड़ाई इस मंदिर की, अब देखिए लंबाई आपने देखी थी 270 फीट की, अब चौड़ाई जो है इसकी वो 140 फीट की चौड़ाई होने वाली है। बड़ी संख्या में भक्तों की आने की यहां पर उम्मीद है। अब उनके लिए अलग अलग द्वार भी होंगे, लेकिन इसके निर्माण के लिए स्टील का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप हमारे प्राचीन मंदिरों को समझिए तो वहां पर किस तरीके से उन्हें बनाया जाता था, जहां पर किसी भी तरह से सीमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती थी, कोशिश की जाएगी कि वैसा ही कुछ हो। मंदिर में प्रवेश के 5 द्वार होंगे, 5 दरवाजे होंगे जहां से अलग अलग भक्त जा सकते हैं, हालांकि यही वो मुख्य प्रवेश द्वार होगा। ऊपरी मंजिल पर जैसा हमने आपको बताया भी कि राम दरबार और नीचे भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये इस मंदिर का ऐसा जो प्रारूप है उसमें पिलर्स जो है, जो खंबे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 212 खंबे नीचे, 106 और ऊपर के तल पर 106 खंबे रहेंगे और बीम 330 हैं। एक एक पिलर में 16-16 मूर्तियां होगी और ये 16 पिलरों में जैसे हिंदू देवी देवताओं का जो वर्णन है उसके हिसाब से कि द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो जो ज्योतिर्लिंग भी बनेगा इसमें, जो सब मतलब जो जो सूर्य मंदिर का जो 12-12 सूर्य का स्वरूप है वो बनेगा, ऐसा सब चीज़ बन जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही।